नमस्कार दोस्तों, टेको टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वही निधि कंपनी के विषय में। तो आपको पता होगा कि जैसे पिछले साल मतलब लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां हम लोगों ने बनाई है निधि कंपनियां, और यहां पास जो कि सक्सेसफुली रन कर रही है। और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि निधि कंपनी के विषय में एक सीरीज बना दी जैसे जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, क्योंकि मैं एक साथ जो है काफ़ी लोगों को अटेंड नहीं कर सकता। तो आज की जो वीडियो है, ये जो वीडियो की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, निधि कंपनी के विषय में ही स्टार्ट होने वाली है कि निधि कंपनी क्या है और इसके क्या क्या रूल्स है। टोटल जितने भी रूल्स है वो आने वाले वीडियो में इस पूरी सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि 5 लाख से बैंक खोले, ये जो है ये थंबनेल आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि क्या 5 लाख से पॉसिबल है एक बैंक खोलना। तो यहाँ पास आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 लाख जो है ये कंपनी का कैपिटल है, ये कंपनी का कैपिटल है। और यहाँ पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि आप बैंक नहीं लेकिन एक ऐसी कंपनी खोल सकते हैं जिसका काम बैंक के जैसा ही सिमिलर हो। जैसे बैंक में आप जाते हैं, सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट खोलते हैं और लोन लेते हैं, तो बैंक में क्या होता है कि आप बहुत सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन दोनों ही आप ले सकते हैं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, निधि कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसमें आप सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, एफडी तो खोल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लोन लेने की बात है तो लोन जो है आप सिक्योर लोन दे सकते हैं। सिक्योर लोन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि गोल्ड लोन आप दे सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिसको मॉर्गेज लोन भी बोलते हैं, या फिर लोन अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड या LIC इसके अगेंस्ट में आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बात कर दूं तो ये जो सिस्टम पूरा है एक बैंकिंग जैसे सिस्टम है। आज काफ़ी सारे निधि कंपनी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 100 से ज़्यादा निधि कंपनियां पिछले साल ही हम लोगों ने बनाई थी, और इस साल जो है मैं और भी लोगों की मदद करूंगा निधि कंपनी बनाने के लिए और उस निधि कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए। इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग सिस्टम भी हमारी ओर से रखा गया है। तो मैं अभी उनकी बातें नहीं करता हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आपसे केवल मैं बात करूँगा इस कंपनी के विषय में। तो इस कंपनी को खोलने का क्या क्या प्रोसेस है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एक वीडियो में तो सारा चीज कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आने वाले समय में और भी जो वीडियो सीरीज आएंगी उसमें जो है ये सारी बातें कंप्लीट आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निधि कंपनी है क्या। तो निधि कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013, आपको पता होगा कंपनी एक्ट 2013 जो है इसके अंतर्गत निधि कंपनी जो है निधि कंपनी ओपन होती है, और ये जो 2014 कंपनी निधि रूल्स 2014 से ऑपरेट होती है। इसका जो मेन पर्पस है निधि कंपनी को खोलने का, ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऑथराइज किया हुआ है कि आप निधि कंपनी खोल सकते हो, और इस तरह से जो बैंकिंग जैसी सुविधा या फिर लोगों का आरडी एफडी अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, लोगों को सिक्योर लोन दे सकते हो। तो ये मैं अपनी इच्छा से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो गवर्नमेंट या कंपनी 2013 में दिया गया है वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो निधि कंपनी में होता क्या है कि आपको खोलने के लिए बहुत ही कम पैसे की आवश्यकता होती है, और जैसा कि मैंने बताया कि 5 लाख रुपए। तो निधि कंपनी आप अपने खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसका जो मेन पर्पस है निधि कंपनी का कि जो लोगों में बचत की आदत डालना। अगर मान लीजिए कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पास बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आपको भी पता है हमारा देश काफ़ी विशाल देश है और काफ़ी ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पास आज के डेट में भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो उस जगह पास इस बैंकिंग सुविधाओं को देने के लिए निधि कंपनी बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप भी कोई ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पास पिछड़ा जगह है, जहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है, तो आप वहाँ पास निधि कंपनी खोल के लोगों का सेविंग आरडी एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, लोगों को लोन भी दे सकते हैं, सिक्योर लोन भी दे सकते हैं। तो इससे आप फायदा क्या होगा कि ना केवल लोगों को पैसे जमा होंगे, बल्कि इसमें सबसे मेन चीज क्या होगी कि जो बैंक, अगर मान लीजिए कोई बैंक 5% दे रही है ब्याज, तो आप लोगों को 2.5% ज़्यादा ब्याज दे सकते हैं उनके डिपॉजिट पे। और सबसे जो इसमें फ़ायदा, लोगों का क्या फ़ायदा है कि जो लोग जो है अगर लोन लेते हैं तो बैंक से उनको लोन लेने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन निधि कंपनी से अगर वो लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। तो ये सब चीज़ों की डिस्कशन आगे की वीडियो में करूँगा। यहाँ तो फिलहाल जो है निधि कंपनी
निधि कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 7 लोगों की, सेवन सेवन पीपल्स, जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 7 लोग मिलकर निधि कंपनी खोलते हैं और इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। निधि कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके नाम के पीछे, आप मान लीजिए कि मैं एक निधि कंपनी खोल रहा हूँ, मेरा नाम संदीप है, तो संदीप निधि लिमिटेड में खोल रहा हूँ, मतलब ये जो निधि लिमिटेड वर्ड है, निधि लिमिटेड वर्ड है या म्यूचुअल बेनिफिट निधि है, इस तरह जो ये वर्ड है ये आपकी कंपनी के नाम के पीछे होना चाहिए, तब जाके ये कंपनी बनती है। तो यहाँ पास कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल के समय में, जहाँ पास आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को कम पैसे में कम इंटरेस्ट पे ब्याज दे सकते हैं और साथ में लोगों से डिपॉजिट भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पास बहुत सारे मुझे सवाल भी आते हैं या पिछले साल से लेकर आज तक अभी तक निधि कंपनी को लेकर सवाल भी आते हैं, सिर्फ पैसा लेके भाग गया तो देखो, अगर बेईमानी किसी को करना है तो उसके लिए तो आप भी कुछ कर नहीं सकते और हमें भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निधि कंपनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, साथ में आप जो है लोगों का जो लाइफ का स्तर है बढ़ाना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों, आपको आशा होगा कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और निधि कंपनी को लेकर अभी जो सीरीज मैं बना रहा हूँ उस सीरीज में आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में आसानी होगी। आप नीचे वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंशियल जानकारी के लिए।